गाइस, ये है Redmi Note 8 Pro और इसका सुपर चार्ज कैसे करें, परफॉर्मेंस हो या फिर बैटरी वाइज हो, आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं कुछ सेटिंग्स चेंज करने के बाद। ऐसे वीडियोस में दूसरे मोबाइल के रिलेटेड भी बनाया हूँ, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था कि बहुत ही बैटरी इंप्रूव हुआ है एज वेल एज परफॉर्मेंस भी बहुत ही फास्ट हुआ है मोबाइल। तो ऐसे में कैसे आप अपने मोबाइल को फास्ट बना सकते हैं, सुपर चार्ज कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें, वैसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ चेंज करना है। तो सबसे पहला सेटिंग है बैकग्राउंड रिस्ट्रिक्ट एक्टिविटी, मतलब कि ऐप्स जो है बैकग्राउंड में रन होता रहेगा अगर आप यूज़ भी नहीं कर रहे हैं तो भी। जैसे कि मान लीजिए अभी आपने कुछ या फिर कोई ऐप को ओपन किया है, फिर उसके बाद वो क्या होगा, बैकग्राउंड में रन होता रहेगा एप्लीकेशन, तो ऐसे में वो रन नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्यों बैकग्राउंड में रन होना चाहिए, तो ऐसे में कैसे उसको स्टॉप करें। तो बार बार आप फोर्स स्टॉप नहीं कर सकते ना, तो इसके वजह से आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाते ही आपको बैटरी एंड परफॉर्मेंस दिखेगा, वहाँ पर चूज़ ऐप्स करके है। तो चूज़ ऐप्स में आप बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन हो, अगर आप कम यूज़ करते हैं उस एप्लीकेशन को तो सारे एप्लीकेशन पर एक बार ऐसे टैप करके यहाँ पर आपको दिखेगा बैकग्राउंड रिस्ट्रिक्ट एक्टिविटी, मतलब कि रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी, यानी कि ये बैकग्राउंड में फालतू में ऐसे रन होने के लिए हम नहीं देंगे। तो इस चीज़ को टैप करना है आपको, बाय डिफ़ॉल्ट अलग रहेगा आपके मोबाइल में, तो ऐसे में आप फोर्सेबली जाकर उस चीज़ को एनेबल कर दीजिए। तो ऐसे ही आप सारे एप्लीकेशंस जो आप यूज़ नहीं करते हैं बार बार, तो उस चीज़ को आप फोर्स स्टॉप जैसे मतलब कि बैकग्राउंड रिस्ट्रिक्ट एक्टिविटी पर टैप करके रखना है आपको। सेकंड सेटिंग है डेवलपर ऑप्शन में, तो डेवलपर ऑप्शन आपके मोबाइल में एनेबल करने के लिए माय डिवाइस पर जाना है सेटिंग्स में। तो माय डिवाइस टैप करने के बाद MIUI वर्शन है तो उस पर एक पांच बार टैप कर दीजिए, तो डेवलपर ऑप्शन अभी एनेबल हुआ है करके नोटिफाई आएगा नीचे। तो उसके बाद बैक लेना है एक बार, तो यहाँ पर सेटिंग्स में आपको एडिशनल सेटिंग्स जाना है एंड वहाँ पर आपको लास्ट में डेवलपर ऑप्शन मिलेगा। तो डेवलपर ऑप्शन में क्या करना है आपको, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, जो भी एनिमेशन के रिलेटेड स्केल है बाय डिफ़ॉल्ट आपको 1x मिलेगा, तो उस 1x को चेंज करके आप 0.5x या फिर 0 ही कर दीजिए। तो इसके वजह से क्या होगा, कोई भी अगर आप कुछ भी कर रहे हैं मोबाइल में तो फटाफट आपका काम हो जाएगा, एनिमेशन के लिए ज़्यादा बैटरी नहीं लेगा, एनिमेशन के लिए ज़्यादा रैम नहीं लेगा, तो ऐसे में आपका परफॉर्मेंस जो है मोबाइल का बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ज़रूर चेंज करके ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे इम्प्रूवमेंट आया है। द नेक्स्ट सेटिंग बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट करते हैं, यही डेवलपर ऑप्शंस में आपको दिखने को मिलेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, मतलब कि लेट्स से अगर आप मल्टीटास्क कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 ऐप तो आप साइमल्टेनियसली यूज़ नहीं करते हैं ना, तो मतलब कि लेट्स से अगर मैं मैसेज कर रहा हूँ तो जल्दी से मैं व्हाट्सएप पर चला जाऊँगा, वहाँ से मैं फेसबुक पर, तो ऐसे ऐप बैकग्राउंड में रन होता रहेगा। तो 2 to 3 ऐप्स आप रख सकते हैं, बाकी जो सारे ऐप्स हैं उसको हम लिमिट कर देते हैं, मतलब कि वो रन होने नहीं देते हैं जब तक हम उस ऐप को ओपन कर पाएँ। ऐसे में आपको क्या करना है, यहाँ बैकग्राउंड एट द मोस्ट आप 3 या 4 रख सकते हैं प्रोसेस लिमिट। तो इस चीज़ को आप ज़रूर टैप करके चेंज करके देखिए कितना फास्ट होता है आपका मोबाइल। द नेक्स्ट वन इज़ इन बैटरी एंड परफॉर्मेंस, तो बैटरी एंड परफॉर्मेंस जाने के लिए सेटिंग्स पर जाना है, यहाँ पर आपको बैटरी परफॉर्मेंस दिखेगा, उसमें जाकर आप बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पर जाइए एंड यहाँ पर आपको छोटा सा आइकॉन दिखेगा सेटिंग्स का, तो उस पर टैप करके क्लियर कैश व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, तो इन 30 मिनट्स है या फिर नेवर करके है बाय डिफॉल्ट, तो इस चीज़ को आप चेंज करके इन 1 or 5 मिनट्स रख दीजिए। तो क्या होगा, बेसिकली मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसके बाद आप लॉक कर देते हैं मोबाइल को, तो 5 मिनट्स में ऑटोमेटिकली मेमोरी जो है वो क्लियर कर देगा, कैश मेमोरी जो है वो क्लियर कर देगा, मतलब वहाँ पर जो भी डेटा रहता है, इमेजेस रहता है, कैश मेमोरी में टेम्प्रोरीली रहता है क्योंकि वो ऐप्स फास्ट रन होने के लिए वो बैकग्राउंड में रन होता रहता है। तो ऐसे में उस चीज़ को हमें स्टॉप कर देना है, क्लियर कर देना है कैश मेमोरी को, तो ऐसे में आप 1 or 5 मिनट्स रख दीजिए। तो इन सारे जो 5 सेटिंग्स मैंने बताया है उस चीज़ को आप चेंज करके ज़रूर यूज़ करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना फास्ट हुआ है, बैटरी इंप्रूवमेंट कितना आया है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर यस हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी अपना Redmi Note 8 Pro फास्ट बना सके। तो दोस्तों ऐसे वीडियोज़ के लिए आप बने रहे, सब्सक्राइब करके मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।